बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू परस्यू आवर लास्ट लेक्चर विच इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस। यू नो दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ यूएन, व्हाई यूएन वाज फाउंडेड एंड व्हाट वाज द पर्पस एंड एम बिहाइंड इट। सो इन दिस लेक्चर मीन्स इन लेक्चर नंबर 3 वी विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ यूएन। यूएन की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इंतज़ामिया, उसके पीछे काम करने वाले वो लोग जिनकी वजह से यूएन चल रही है, वो कौन कौन है एंड हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर एग्जिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट जनरल असेंबली। एक्चुअली जनरल असेंबली इज़ द प्लेस वेयर मेंबर नेशंस रिप्रेजेंट देमसेल्व्स बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हर मुल्क अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएन में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, नुमाइंदा भेजता है, और उस नुमाइंदे की जो बात होती है, यूँ समझें कि चूंकि वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, सो उसके बाद उसके मुल्क की बात होती है। सो एवरी नेशन कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन जनरल असेंबली एंड दे कैन सेंड 5 मेंबर्स। उनके पास गुंजाइश होती है कि वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकते हैं और 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भी भेज सकते हैं, बट दे हैव ओनली 1 राइट टू ओपिनियन, टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। अपने उनके पास अगरचे वो 2 हों रिप्रेजेंटेटिव्स या 5 हों, लेकिन सबके पास सिर्फ एक ही वोट होता है टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अपने मुल्क की तरफ से नुमाइंदगी करने का, अपनी राय के इजहार का। सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल, सो सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द अनदर पार्ट ऑफ यू एन। जनरल असेंबली इज़ द मेन ऑर्गन एंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यू एन, वाइल इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल पार्ट ऑफ यू एन। सिक्योरिटी काउंसिल में जो टोटल तादाद होती है मेम्बर्स की, दे आर 15, बट ओनली 5 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर परमानेंट मेंबर्स एंड दे हैव वीटो पावर। इफ आई टॉक अबाउट द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के 15 टोटल मेंबर्स होते हैं और उनमें से 5 परमानेंट होते हैं, जबकि अदर 10 जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, चेंज होते रहते हैं आफ्टर एवरी 3 years फॉर 2 years। अब इसके हवाले से मैं बात करने से पहले यहाँ पर कुछ बात करना चाहूँगा। परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाउंडेशन ऑफ यूएन, यूके इज़ द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यूएस इज़ द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सिमिलरली चाइना, रशिया एंड फ्रांस, these all are 5 permanent members from the beginning of UN and they have veto power. Veto powers means that if they are discussing any matter of importance aur unme se agar koi ek bhi us par no keh deta hai aur wo agree nahi karta, so that matter will be postponed and that will be dropped for the time being, us par fir baat nahi ki ja sakti. इसी तरह अगर हम बात करें टेम्प्रेरी मेंबर्स की, मतलब वो अदर 10 मेंबर्स, चूँकि ये 5 मेंबर्स होते हैं और ये 10 होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, अगर इनकी बात करें, दे आर अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। जनरल असेंबली से ही इनको अपॉइंट किया जाता है फॉर 2 years, जो इनका ड्यूरेशन होता है वो 2 साल के लिए होता है। और इसके जो अपॉइंट करने का तरीका होता है वो ये होता है कि ये आफ्टर एवरी 3 years, मतलब यूँ समझें कि ये 3 मेंबर्स को चेंज कर देते हैं, देन इस तरह इन्होंने उसको अरेंज किया हुआ है, और चेंज भी जो किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है फॉर 2 years, 2 साल के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल की, सो सेक्रेटरी जनरल इज़ द चीफ ऑफिसर ऑफ यूएन and he is also appointed by general assembly with the approval of security council. security council ki approval ke sath ye general assembly se appoint kiya jata hai, aur iska kaam kya hota hai, iska kaam
चूँकि ये चीफ ऑफिसर होता है, चीफ ऑफिसर होने की हैसियत से इसका काम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. एंड ही प्रेजेंट्स हिज रिपोर्ट एवरी ईयर इन जनरल असेंबली, इन फ्रंट ऑफ जनरल असेंबली. जनरल असेंबली के साथ सामने इसको हर साल अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है कि उन्होंने काम क्या किया है. अगर हम बात करें सेक्रेटेरिएट की, जो कि एक इदारा होता है सेक्रेटरी जनरल का, तो सेक्रेटेरिएट में 3,500 एम्प्लॉयज डायरेक्टली इसके अंडर में काम कर रहे होते हैं. और ये जो 3,500 एम्प्लॉयज हैं, 3,500, दे आर ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रेसेस एंड डिफरेंट रिलीजन्स. मुख्तलिफ ममालिक से इनका ताल्लुक़ होता है और इनकी जो ड्यूटीज़ होती है वो सेक्रेटेरिएट में काम करने की वजह से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. अब वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैव टू मैनेज मीटिंग्स, मीटिंग्स होनी है तो दे हैव टू मैनेज मीटिंग्स. दे हैव टू प्रिपेयर मैटर फॉर द मीटिंग्स. सिमिलरली दे हैव टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग विच हैव बीन डन एंड विच हैव बीन सेड. जो कुछ कहा जा चुका है, जिस जो कुछ किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सिमिलरली दे हैव टू प्रिपेयर डेली रिपोर्ट्स फॉर न्यूज़, फॉर मीडिया, फॉर रेडियो, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूएन. यूएन क्या कर रहा है, डेली की रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर आगे पहुँचाना भी इनकी जिम्मेदारी है. सिमिलरली ट्रांसलेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट. वो इस तरह के देर आर मल्टीपल नेशंस इन दिस वर्ल्ड और उनके रिप्रेजेंटेटिव जब आकर स्पीच करते हैं और मीटिंग होती है या किसी भी मामले पर डिस्कशन होती है, तो दे यूज़ जनरली देयर ऑन लैंग्वेज. सो दे हायर सम ट्रांसलेटर्स, वो अपनी साउंड प्रूफ केबिन्स में बैठकर डायरेक्टली सुनने के साथ ही उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर आगे पहुँचा देते हैं जिस लैंग्वेज में लोग उसको सुनना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइनीज़ में अगर स्पीच हो रही है तो वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो रही होगी और अदर लैंग्वेजेस में भी. सो ट्रांसलेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सेक्रेटेरिएट. सिमिलरली दे कंडक्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर रिलेटेड टू पीस और विच आर रिलेटेड टू एनी मैटर ऑफ इम्पॉर्टेंस. सो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो इसके हवाले से हमने बात किएगी. In upcoming video, we will talk about other one. Thank you very much.